थोड़ा विजुअल मतलब पर माइक वाइक तो इधर अच्छा आपको विजुअल चाहिए अच्छा कपड़े वपड़े अच्छा इसके लिए चलो भाई हो गया आपको विजुअल चलो गुड इवनिंग एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू सो मच कोई सवाल नहीं मैं जाऊँ 50 करोड़ कहा था ना आपसे जी 50 करोड़ पे आज हो जाएगा शुक्रवार जी हाफ सेंचुरी मार रही शुरुआत अच्छी रही है प्यार जो मिला उसकी वजह से और भी खुशी मिलती है जब दुनिया भर से मैसेज आते हैं फ़ोन कॉल आते हैं और पता लगता है कि जम्मू हो बनारस हो लखनऊ हो ऐसी जगहों पे पिक्चर हाउसफुल चल रही है जब वीकेंड शुरू हुआ था तो बहुत अच्छा लगा था तब और आई थिंक खुशी की बात यह है कि इंडस्ट्री को एक और सक्सेस मिली और मेरे नए नवेले करियर में एक और सक्सेस शामिल हो गई तो उस बारे में मैं एज एन एक्टर आई फील इवन हैप्पियर कि और एक्सेप्टेंस मिली ऑडियंस से और प्यार मिल रहा है तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी तूने तो कल कर लिया इंटरव्यू जी ये अलग सवाल है अच्छा चेतन जी अभी यहाँ से गए थे तुमने कहा कि बाहुबली के बाद ही तुम मिली थी तो जी डर था व्हेन यू वर्ट सो स्कैर्ड बिकॉज़ यू आर प्रोड्यूसर सन एंड यू हैव दैट फिगर इन माइंड या बट जी बाहुबली ने जो किया है वो हम उस उन आंकड़ों के करीब जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते बिकॉज वो एक फेस्टिवल एक त्यौहार है पहली बात तो एक सीक्वल थी दूसरी बात ये कि पहली पिक्चर को इतना प्यार मिला था ऑलरेडी और सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि बाहुबली 1 टीवी पे भी बहुत चली थी और साथ ही में जब ऐसी पिक्चरें आती है तो यू कांट बी थिंकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ इट यू टू थिंक ऑफ द स्पिरिट एंड द एक्साइटमेंट ऑफ हैविंग सच अ बिग फिल्म डूइंग वेल बट या डेफिनेटली एज एन एक्टर यू फील यार हमारी फिल्म को भी उतनी इज्जत मिले उतनी जगह मिले यू शुड बी एबल टू गेट पीपल टू बाय अ टिकट एंड कम टू द थिएटर सो थिएटर मिले तो डेफिनेटली इट फील्स गुड दैट डिस्पाइट हैविंग कॉम्पिटिशन इट्स स्टिल होल्डिंग इट्स ओन एंड दैट्स ऑलवेज अ गुड साइन दैट मीन्स लोग पिक्चर देखना चाहते हैं पता नहीं यार इधर मेरे पॉकेट ओपन में थी अच्छा आई नहीं श्रद्धा भी तो मुझे मैसेज तो किया था कि आ रही है जी फैमिली फोटो हाँ तो फैमिली को बुला लेते हैं नीचे और फिर ले लेंगे फोटो जैसे श्रद्धा आ जाए जी बिल्कुल मुझे कोई ऐतराज़ नहीं जी यार मेरी फिल्म मुबारक आ रही है तो अभी वेकेशन के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है चलो श्रद्धा कपूर आ गई पर हाँ हाफ गर्लफ्रेंड आ गई है तो मुबारक है के बारे में बाद में बात करेंगे Oh, yeah.